जब सह्याद्री पे छाई आंधी थी, अपनी भाषा पर भी पाबंदी थी। आज मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने इंसानों को बचाया और इंसान के अंदर की इंसानियत को भी बचाया, जिसने हमारी भाषा जिंदा रखी और हर घर में हिंदवी धर्म को भी बचाया। ये हमारे उस भगवान की, भगवान बनने से पहले की, ये मेरे शिवबा की, छत्रपति बनने से पहले की कहानी है। मैं सह्याद्री, मेरे शिवबा की कहानी बता रहा हूं।